ऐसा माना जाता है कि अगर मन में कोई भी कार्य करने की ठान ली जाए तो दुनिया का कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। और ऐसा ही एक मिसाल पेश की है स्थानीय टंडा बरौड़ निवासी भूतपूर्व सरपंच स्वर्गीय मनोहर लाल जी गुप्ता की धर्मपत्नी और उनके परिवार ने। नारायण गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता और दिनेश गुप्ता की माता जी शकुंतला बाई के मरणोपरांत उनके पुत्रों द्वारा लायन प्रथा को बंद करते हुए उनकी स्मृति में आसपास के गाँव और सर्व समाज हेतु एक शव वाहन दान देने की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि ग्राम में शमशान घाट की दूरी 2 किलोमीटर होने से मौसम की कई परेशानियों के कारण मृत आत्माओं को दाह संस्कार स्थल पर ले जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी के चलते ये कार्य किया गया। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी इसी परिवार द्वारा समाज की धर्मशाला के निर्माण में 1,21,000 रुपये का सहयोग और मृत्यु भोज जैसी प्रथा को बंद करने की शुरुआत की थी। क्षेत्र में रहवासियों को इस शव वाहन में लाभ पहुँचेगा। वहीं मुक्तिधाम में 11,000 रुपये और दसौरा नागर समाज में पुनः 11,000 दान स्वरूप दिए हैं। गुप्ता परिवार के द्वारा इस दान में चहु और प्रशंसा की जा रही है। टांडा बरौड़ से जयंत गुप्ता के साथ रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये समाज करने सर्व समाज और आसपास जो भी क्षेत्र है उनके लिए फोन करेंगे, तत्काल गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी और रथ बना के देंगे। आराम से शांति से बाजे गाजे के साथ निःशुल्क रहेगी, कोई शुल्क नहीं रहेगा। ये सब पूरे गांव और क्षेत्र को समर्पित रहेगी। क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज ग्रामीण और आसपास के ग्रामीण बंधुओं को मुक्ति धाम हेतु गाड़ी की घोषणा करें। आज यह है इसी परिवार से मृत्यु भोज जैसी प्रथा बंद हुई थी। साथ ही स्थानीय दशहरा नागर समाज धर्मशाला में उनके परिवार द्वारा 1,21,000 रुपये की जो दान राशि दी गई थी, पूरा दशहरा नगर समाज गुरु गुप्ता परिवार का कृतज्ञ है। आज इसी परिवार से लायन प्रथा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि स्थानीय ग्राम से शमशान घाट की दूरी 2 किलोमीटर है और मृत आत्मा को यहाँ से दाह संस्कार स्थल तक जाने के लिए कई मौसम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते हमारी काके जी के सुपुत्रों द्वारा सर्व समाज हेतु एक शव वाहन की घोषणा की जा रही है, जो कि दिनेश गुप्ता जी देंगे। साथ ही मुक्ति धाम में 11,000 रुपये वृक्षारोपण इत्यादि कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं एवं 11,000 रुपये दशहरा नगर समाज धर्मशाला में पुनः धर्मशाला निर्माण हेतु दिए जा रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो खड़े होए होकर इसकी घोषणा करें सब वाहन की। भैया, आज माता जी की आपके पगड़ी रस्म का कार्यक्रम है, उसमें आज कुछ समाज हित में आपने निर्णय लिए हैं, आप क्या निर्णय लिए हैं बताया। भैया, हमने ये आज से नहीं सोचा, ये कोरोना आया था ना जब से देखा सही, मतलब परिवार बहुत मतलब मनन किया उसका। जैसे मैं आसपास और भी मयूत में गया हूँ, हर जगह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सक्षम आदमी है, उसके 10 कंधे देने वाले भी जी, एक मध्यम वर्ग गरीब उसके कोई कंधे देने की स्थिति नहीं है, तो पास में वाहन ट्रैक्टर भेजना पड़े। तो हमने उसी दिन तीन बार दिन से अपन कुछ ऐसा करें तीनों भाई मिलकर कि अपनों को ये दिखावे लायन वगैरह नहीं देना है, तय कर लिया था हमने मन को करके एक ऐसी चीज़ दें, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी समाज पूरे गांव और गांव का आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे से नहीं, मेरे पिताजी से भी पूरा लगाव था और आज भी मेरे गाँव से। इसलिए हमने पिकअप का तय किया कि रथ बना के देंगे गाँव वालों को, समर्पित रहेंगे और मैं सब ग्रामवासियों से और गाँव वालों से हमसे हमको सहयोग प्रदान करें, मार्गदर्शन ले लें। बस भैया, एक बात और ये थी कि जैसे कि क्या ये रथ जो आपने सौ वाहन दिया है, क्या कहीं बाहर भी ये जा सकता है? कसरावत ले जाए, नारायणपुर अभिजयपुरा से अधिकतर ऊन ले जाते हैं। ठीक है, छोटे आदमी तो उसके वाहन की भी व्यवस्था नहीं होती है और कहीं हमारे पास है भैया यार ट्रैक्टर भेजो, भेजते हैं तो हमने कहा क्यों ना उसको भी सम्मानजनक तरीके से लिया जाए। बड़ा आदमी तो सब चले जाएगा पूरी व्यवस्था से, छोटे का देखो। और मेरा एक ही सिद्धांत है कि न्यू से उठे तो सब कुछ बोल, अपनी औकात मत भूल, वो समय को याद रख के चलो तो हमेशा आप विजय रहो, वो प्रेरणा मिलती रहेगी, उनसे ही शिक्षा मिलेगी आपको।
निर्धन वगैरह समस्त व्यक्ति का होगा, कोई ऐसा नहीं है। छोटी कोठा बड़ी कोठा में, छोटी कोठा वलवाड़ी ले जाते हैं, डोंगर अपने बेजापुरा नारायण ले जाओ, गाउसो नाले नारायणपुर ले जाओ, हंतिया वाले आप सब आज से नहीं, पिताजी के टाइम से मैं लगा रहा मेरा, और ये क्षेत्र पूरा अपने ही गाँव। सौ वाहन की क्या लगभग कीमत होना चाहिए भैया? अब देखो 4-5 लाख के आसपास हम क्या, और जो भी बैठे वो खेल खोल के हमको समर्पित करना है गाँव को और क्षेत्र को समर्पित रहेगा। डीजल वगैरह जो है संबंधित व्यक्ति जो है वो निःशुल्क रहेगा, बरूर तक बाहर जाएगा तो भाई उसको बाहर ले जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।